मटर आलू के ऐसे चटपटे पुलाव बनाएंगे तो किसी बिरयानी से कम नहीं लगेगा। और हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने ताजे और सीजनल हरे मटर ली हूँ और आप देख सकते हैं मटर हमारे काफ़ी अच्छे और फ्रेश है। तो अब हम इसे चलिए छील लेते हैं और आप देख सकते हैं मैंने सारे मटर को छील ली हूँ। तो अब हम मटर में पानी डाल करके मटर को अच्छे से धो लेंगे, जिससे क्या होगा कि मटर हमारे अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि कई बार मटर के अंदर कीड़े होते हैं। तो आप जब भी मटर का यूज़ करें तो आप उसे एक से दो बार अच्छे से धो लें। और आप देख सकते हैं मटर हमारे बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं। और यहाँ मैंने कुछ सब्जियों को भी कट कर ली हूँ, जैसे कि यहाँ मैंने एक मीडियम साइज का प्याज को इस तरीके से बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। और यहाँ मैंने दो मीडियम साइज के आलू को इस तरीके से कट कर ली हूँ। और यहाँ मैंने तीन से चार टुकड़े फूल गोभी की ली हूँ। और एक बड़े साइज के टमाटर को यहाँ मैंने रफली कट कर ली हूँ। आप अपने पसंद की और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। और यहाँ मैंने दो हरी मिर्च ली हूँ। तो चलिए अब झटपट से इसकी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 कप बासमती चावल को यहाँ मैंने 20 मिनट के लिए भिगो दी थी और चावल भी हमारे अच्छे से रेस्ट कर लिए हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप डेली रेगुलर राइस का भी यूज़ कर सकते हैं, बस बॉइल्ड राइस का यूज़ बिल्कुल ना करें, उससे इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। और अब हम कुकर लेंगे, गैस ऑन करेंगे, कुकर को अच्छे से गर्म होने देंगे और इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ की हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच जीरा डालेंगे और ऑयल में हम इसे अच्छे से क्रैक होने देंगे। अब हम इसमें हींग डालेंगे, यहाँ मैंने 2 चुटकी हींग डाली हूँ और हम इसे भी ऑयल में अच्छे से पकने देंगे। और अब हम इसमें 2 तेज पत्ता डालेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। और यहाँ मैंने सूखे गरम मसाले ली हूँ, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 से 2 टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग डालेंगे। और इन सभी मसालों को हम तेल में अच्छे से पकने देंगे, जिससे मसालों का फ्लेवर ऑयल में आ जाएगी। 2 मिर्च डालेंगे, यहाँ मैंने हरे और लाल मिर्च दोनों का यूज़ की हूँ। और अब हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे और गैस का फ्लेम इस टाइम पे 20 से 25 सेकंड के लिए हाई कर लेंगे। और हाई फ्लेम पे हम प्याज को अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे, जिससे हमारा रेसिपी जल्दी पकेगी। और अब हम इसमें फूल गोभी डालेंगे और इसे भी अच्छे से हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे फूल गोभी का भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगी और फूल गोभी भी हमारे मसालों के साथ अच्छे से फ्लेवरफुल हो जाएगी। और अब हम इसमें कटे हुए आलू डालेंगे, आलू को भी हम अच्छे से भून लेंगे। आप चाहे तो सारी सब्जियों को एक साथ भी डाल करके इसे भून सकते हैं। और अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे और इन सभी इंग्रेडिएंट को अब हम हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे, जिससे सारे के सारे सब्जियां अच्छे से भुनेगी और इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आएगा। और अब हम इसका मेन इंग्रेडिएंट हरे मटर डालेंगे और हरे मटर डाल करके हम इसे भी अब सारे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप पहले मटर का यूज़ करेंगे तो मटर हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और सब्जियां हमारे जल्दी से भुनेगी। इसके लिए हम इसमें 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डाल करके गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, क्योंकि नमक के साथ जब सब्जियां भुनेगी तो सारी सब्जियां पानी छोड़ेगी। तो हम इसे हाई फ्लेम पे इस तरीके से चलाते हुए भूनेंगे। और अब हम सब्जियों को और ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अगर आप अदरक लहसुन नहीं खाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम सब्जियों को अच्छे से अदरक लहसुन के पेस्ट में मिक्स कर लेंगे और अब गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। तीखे के लिए हम इसमें 1/2 टीस्पून या 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। और अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही भून लेंगे, जिससे मसाले हमारे जलेंगे नहीं और सारी सब्जियों के साथ ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच क्रीम ऐड करेंगे। यहाँ मैंने क्रीम का यूज़ की हूँ, आप चाहे तो घर का बना दही का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे और ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें 1 टीस्पून या 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे। मेथी डालकर हम इसे फिर से अच्छे से सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं सब्जियों को भूनते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं। और हम इसमें 1 टीस्पून
गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला की जगह आप बिरयानी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और गरम मसाला डालकर हम इसे फिर से एक बार मसालों को सब्जियों के साथ मिक्स करते हुए अच्छे से एक मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। और आप देख सकते हैं मसाले हमारे सब्जियों के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से पक गई है। तो अब हम इस टाइम पे इसमें सोक किए हुए चावल डालेंगे। यहाँ मैंने सोक्ड किए हुए चावल का यूज़ की हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इंस्टेंट चावल को धो करके भी इसमें डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे चावल डाल दी हूँ। तो अब हम कुकर में चावल को सारे सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यकीन मानिए इस तरीके से मिक्स वेजिटेबल पुलाव या मटर पुलाव बनाएंगे तो आपके घर वाले हो या आपके मेहमान सभी को ये बहुत टेस्टी लगने वाला है। और इसका स्वाद और फ्लेवर किसी बिरयानी से बिल्कुल भी कम नहीं होगा। और आप देख सकते हैं चावल हमारे सब्जियों के साथ काफ़ी अच्छे से भुन गई है। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने जिस कटोरी से चावल ली हूँ तो सेम कटोरी से ही हम चावल का डबल पानी इसमें डालेंगे। और यहाँ मैंने दो कटोरी पानी डाल दी हूँ तो ये तीसरा है। और अब हम इसमें एक कटोरी और पानी डालकर इसे अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे जिससे पानी में जल्दी उबाल आएगा और चावल हमारे एकदम खिले खिले परफेक्ट बने। इसके लिए हम इसमें एक चम्मच नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने से आपके पुलाव बहुत ही चटपटे भी बनेंगे। तो आप नींबू का रस इसमें बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अब हम कुकर का ढक्कन लगा करके हाई फ्लेम पे हम इसमें 2 से 3 सीटी आने देंगे। और इसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ करके हम कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और आप देख सकते हैं मैंने कुकर को 10 मिनट के लिए छोड़ दी थी और कुकर का सारा गैस रिलीज़ हो गया है और कुकर हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम कुकर को खोल लेंगे और चेक करेंगे कि हमारा मिक्स वेजिटेबल मटर आलू का पुलाव बना है कि नहीं। और आप देख सकते हैं हमारा पुलाव एकदम परफेक्ट और खिले खिले बनी है। तो आप इस तरीके से आपके घर में गेट टुगेदर हो या पार्टी हो या आप किसी को भी लंच पे बुला रहे तो इस तरीके से इंस्टेंट और झटपट से मिक्स वेजिटेबल पुलाव बना सकते हैं, जो बनाना जितना ज़्यादा आसान है खाने में उससे कई ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। तो आप इस तरीके से बना के बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे और खुशी खुशी खाएंगे। तो चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं हमारा पुलाव एकदम परफेक्ट बना है। तो आप इस विंटर में इस तरीके से इंस्टेंट झटपट मिक्स वेजिटेबल या मटर पुलाव तो बनाते हैं, तो एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर देखें। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। गर्मा गर्म चटपटे मटर आलू के पुलाव के साथ इस तरीके से हम प्याज सर्व करेंगे। और इस रेसिपी को आप सिर्फ प्याज और इस तरीके से खाइए, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब होता है। तो इस रेसिपी को आप इस विंटर पे ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नई और